सागर के मोती नगर में एक युवक को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक लगभग 60% जल गया था और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। बताया जा रहा है कि युवक को पुरानी रंजिश की वजह से जिंदा जलाया गया। आरोप है कि दलित युवक धन प्रसाद अहिरवार का पड़ोस में रहने वाले इरफान खान कल्लू अज्जू से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। पीड़ित के परिजनों की माने तो आरोपी उन्हें उनके घर से भगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो उन्होंने तेल डाल के हमारे वातावरण हो रहा था, उन मार रहे थे, तो उन्होंने देखो नन्या घर पड़ के कबा घुसका जी इन्हें तेल डाल के आग लगा दी। जो बच्ची हल्दी भी रहे अंदर सो उन्होंने जल लानी जब हमारे अंदर गए सो उन्हें अंदर से हमारे कभी छेक दाओ। जब दूसरे आए जब उन्हें खोले दरवाजे और ये तलवार ना थे वो मारा तो हमारे भागे। किसको जला दिया है? धन पार्षद। धन पार्षद ये कौन है? ये हमारे देवर हैं धन पार्षद। अच्छा, तो ये विवाद जो होता था कुछ लोगों के आपके घर के बाहर बैठने को लेके ले गए, क्या है? बैठने को रहने को भी कहते आवासीय कॉलोनी में अहिरवार समाज के व्यक्ति को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। उस संबंध में एसपी महोदय को अहिरवार समाज के सभी संगठन ज्ञापन देने आए। क्या कारण रहा था कि ऐसे घटनाक्रम हुआ है? कुछ सामने निकल गया? असामाजिक तत्व हैं जो नहीं चाहते शांति बनी रहे, इसलिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। वो किसी को भी उनके पास समाज का नहीं है, न अपराधियों की कोई समाज नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं के साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी FIR की गई है। चल के BMC में भर्ती हुई और उसने अपने बयानों में कुछ लोगों द्वारा उसे चलाना बताया है। इस पे थाना मोती नगर में अपराध पंजीबद्ध हो गया है और 3 आरोपियों की अरेस्टिंग भी हो गई है। और जो समाज के लोग आए थे उनका यह कहना था कि इसमें प्रॉपर सभी आरोपियों की अरेस्टिंग हो जाए और उसको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, और निश्चित तौर पे इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारा सही चलेगा। 3 की अरेस्टिंग हो गई है, कोई और नाम आते हैं तो उनकी भी अरेस्टिंग होगी। और शासन स्तर पर जो राहत वगैरह मिलती है तो उस दिशा में भी। इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। BJP का आरोप है कि मौजूदा कमलनाथ सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह गुंडे, बदमाश, मवाली ये सर ऊपर करके घूम रहे हैं। और सागर की ये घटना जिसमें दलित को जिंदा जला दिया गया बहुत आपत्तिजनक है, बहुत निराशाजनक है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है और उसका सीधा कारण है प्रशासन पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हावी है, जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि गुंडे बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं। सागर की घटना अलार्मिंग है और केवल सागर की घटना नहीं, कांग्रेस की सरकार जो सेठों की सरकार है, साम्राज्यवादियों की सरकार है, वो लगातार आदिवासियों, दलितों का अपमान कर रही है। इससे पहले PSC के पेपर में जिस प्रकार से आदिवासियों का अपमान किया गया, अब सागर में एक दलित के साथ ये घटना हो गई, ये सीधे सीधे इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की सरकार दलित विरोधी सरकार है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जिस सरकार में गई हो उस सरकार से और कुछ अपेक्षित नहीं। फिलहाल युवक धन प्रसाद अहिरवार को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और सरकार के कानून व्यवस्था सुधारने के दावे फेल हो रहे हैं। हिमांशु शिवा पुरोहित के साथ रविश पाल से की रिपोर्ट।